हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी मेरी पूजा हो गई है और आज है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। अभी भी पूजा की है और यहाँ पे बैठी हूँ क्योंकि ना तबीयत थोड़ी सी खराब है। मतलब थोड़ी सी मीन्स 2 दिन से खराब है, बट 2 दिन से कोई व्लॉग नहीं बना है। आज मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं क्योंकि 2 दिन से ऐसे ही रेस्ट ही कर रही थी एक्चुअली। तो कल तो मैंने मीशो ब्लाउज वाला हॉल डाल दिया, बट आज सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। ब्लॉग का आप लोग वेट करते हो इसी वजह से ब्लॉग स्टार्ट किया। तो अभी ना थोड़ा सा मतलब आज शिवरात्रि भी थी तो इसी वजह से उठी, नहा धो के फ्रेश हुई हूँ और अभी अभी पूजा हुई है। पूजा करने का मतलब पूजा करने के टाइम भी मुझे चक्कर से आ रहे थे, बट पूजा कर ली मैंने और यहाँ पर आके बैठ गई हूँ। तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ। और हाँ, अभी अभी ना कुछ भी नहीं, मतलब जो फास्ट का होता है कुछ भी बना नहीं है क्योंकि ये बोल रहे थे मैं आने के बाद बना दूंगा करके, तो इसी वजह से मैं वेट कर रही हूँ उनका। 2 बजे आएंगे तो बना देंगे कुछ। और आज पता नहीं क्या कुछ स्पेशल बनाने वाला है। बोल रहे थे कि स्पेशल मीन्स वो जो होता है ना बड़ा, क्या बोलते हैं वही, साबूदाना बड़ा बनाने वाले हैं। तो उनकी जो रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइज मैं आ गई हूँ किचन में और अभी ना मैं आलू जो है वो बॉईल करने के लिए डाल देती हूँ क्योंकि ये आएंगे तब तक फिर आलू बॉईल हो जाएंगे। और मुझसे ना ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहा जा रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है और हाथ पैर भी दर्द कर रहे हैं। तो ना मैंने जो पूजा है वही तो दो मतलब 2 पार्ट में डिवाइड की थी। पहले पूजा कर ली मैंने और बेल चढ़ाना बाकी था तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चढ़ाया है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि मुझे ना थोड़ा सा मतलब ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहा जा रहा है मुझसे। तो अभी मैं आलू बॉईल करने के लिए डाल देती हूँ और बस घर जाके रेस्ट करती हूँ। आलू तो बॉईल करने के लिए डाल दिए हैं और इन्होंने ना मटका भरा है। अभी थोड़ा सा गर्मी लग रही है, मतलब आजकल ना थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हो गई है तो इसी वजह से इन्होंने मटका भरा है। मटका काफ़ी दिनों से था मेरे घर पे लेकिन हम लोग भरते ही नहीं थे यहाँ पे। ये ना मटका बहुत ज़्यादा टपकता है नीचे तो, और पानी बहुत अच्छा ठंडा रहता है। हम लोग फ्रिज में पानी नहीं रख रहे, अभी तो स्टार्ट नहीं किया है फ्रिज में पानी रखना, तो इसी वजह से ठंडा भी पानी मिल जाता है उसमें से और टेस्टी भी लगता है पानी, तो इसी वजह से मटका भरा है। और यहाँ ओ नहीं है, यहाँ पर है अद्विक। ओह हाँ, अद्विक हैप्पी महाशिवरात्रि बोल दो। क्या क्या नवरात्रि नहीं, हैप्पी महाशिवरात्रि, महा महा शिवरात्रि। शिवरात्रि हाँ, आज फास्ट रखा है ना अद्विक ने, फास्ट रखा है अद्विक ने। हाँ, टोस्ट खा के। हाँ, इन लोगों ने ना पहले माही ने बोला था कि हम लोग फास्ट रखेंगे, बट जब माही को बोला कि आप लोगों को पता ही है माही अच्छा चाय बना लेती है। अपन कटिंग के लिए, अपन नहीं तू कटिंग के लिए, मैं कटिंग के लिए। हाँ अपन नहीं तो अपन कटिंग के लिए तो मैंने पापा ना कटिंग के लिए। हो तो मैंने माही को बोला कि आप चाय बना के दोगी मुझे अदरक का थोड़ा सा, क्योंकि मेरा ना आंखें भी अभी जल रही है मेरी, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर बोल रहे थे आप दीदी जागते बहुत हो ना, मतलब आपकी नींद पूरी नहीं होती है इसी वजह से आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है हमेशा हमेशा, तो हो सकता है इसी वजह से हो रही होगी। हो उना मुळे जळते, अद्विक बोल रहा है कि धूप की वजह से जल रही है आंखें आपकी। देखो अद्विक को भी समझ में आता है। हाँ उन्हा मुळे जळते माझ्या डोळे। हाँ और जुकाम भी हो रखा है, आंखें भी जल रही है और घबराहट भी हो रही है, तो चलिए कोई बात नहीं। और माही ने ना वो करके दिया, फिर मुझे चाय बना के दी और उसके साथ टोस्ट लाया। मैंने बोला हाँ तू पण चहा पी लाओ, मोठा आहेस ना तू म्हणून। तर
तो इसी वजह से उसने टोस्ट लाया उधर से, उसका ध्यान ही नहीं किया आज फास्ट रखना है उसे, बोल रही थी कि मैं फास्ट रखूँगी फास्ट रखूँगी, और टोस्ट खा लिए। मैंने बोला जाने दो, आपका फास्ट वही है तो अगले साल रख लेना। तो चलिए फिर मैं थोड़ी देर और रेस्ट करती हूँ, ये आने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइज मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए गई थी तो मेरी आँख लग गई, और यहाँ पर ये आ गए थे और बनाने भी लग गए थे। तो यहाँ पर इतने सारे वड़े बना लिए थे उन्होंने, मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तब तक इन्होंने बना भी लिया था, और इसमें मैं आपको बता देती हूँ, साबूदाने में आलू डाले थे और जो मूंगफली होती है उसका चूरा डाला था, और वो अच्छे से गूंदना है। सिर्फ ना इसमें थोड़ा सा गूंदने के टाइम में आपको ध्यान देना है, मतलब ज़्यादा अच्छे से गूंदना है, तभी जाके आपके वड़े जो है अच्छे बनेंगे, और मतलब फूलेगी भी और क्रिस्पी भी बनेंगे और ऑयल भी नहीं पकड़ेंगे। तो बस इतना ही ध्यान देना है आपको, और आप देख सकते हो वो अच्छे से बड़े बना रहे थे, बड़े इन्होंने बनाए थे और सारे बड़े बना लिए थे। उसके बाद फिर मुझे ना वहाँ पर खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया यहाँ पे आके, मतलब मुझे आवाज़ आया ना वहाँ पे, तो इस वजह से मेरी आँख खुल गई थी। तो फिर मैं किचन में आके देखा तो मैंने तो ये बना भी रहे थे, फिर मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, मतलब थोड़ा सा तो शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये ऐसे बड़े बना रहे थे, मतलब थोड़ा सा तेल हाथ में लेके, आप पॉलिथीन में भी बना सकते हो, उस पर भी नहीं चिपकता है, बट अपने अपने मतलब वो होता है, अपना अपना तरीका होता है बनाने का। तो ये इस तरीके से बना रहे थे, मतलब हाथ को तेल लगा के राउंड करके गोल गोल उसका उसकी लोई बना के उसको चपटा करके वो रख रहे थे। इस तरह से सारे बड़े उन्होंने बना लिए, फिर फ्राई कर लिए थे, तो यहाँ पर फ्राई भी कर रहे थे। इनको ना थोड़ा सा मतलब कुकिंग में बहुत ज़्यादा शौक है इनको, और आती भी है इन्हें कुकिंग बहुत अच्छे से आती है, तो इसी वजह से मुझे इतना तो टेंशन नहीं है कि चलो मेरी तबीयत ख़राब है तो बच्चे भूखे रहेंगे या कुछ, तो मतलब उनको ना आलस भी नहीं आता है। वैसे क्या होता है कि अगर कोई ड्यूटी से आ गया तो उनको आलस आता है, अगर ड्यूटी से आ रहे हैं उधर से आके थक जाएंगे फिर घर पे आके कुछ बनाएंगे, तो वैसा नहीं है, इनका आलस भी नहीं आता है उन्हें, तो वो कर लेते हैं। और उनको खिलाने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब उनके हाथों से कुछ अलग अलग डिश खिलाना उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो ऐसे बनाते रहते हैं कुछ ना कुछ, और हमें अच्छे अच्छे खिलाते भी रहते हैं। यहाँ पर बड़े बन के रेडी थे, बड़े इन्होंने बनाए थे, और श्रीकांत आ गया था तो श्रीकांत ने ये मट्ठा बनाया था, तो मट्ठा भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था एक्चुअली। हम लोग मतलब सब ने मिलके बनाया था, फिर मेरी फ्रेंड भी आ गई थी रश्मि, तो उसने भी थोड़ी हेल्प की थी, सब लोगों ने मिलके सारी चीज़ें बनाई थी, मैं तो बेडरूम में ही थी रेस्ट कर रही थी, फिर आके यहाँ पर बैठ गई थी। तो फिर मतलब हम लोग ना ऐसे ज़्यादा लोग रहते हैं तो हॉल में आके बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, अच्छा भी लगता है, बातें बातें भी होती है एक दूसरे के साथ, और काफ़ी बार हम लोग ऐसे ही करते हैं, नॉनवेज वगैरह भी रहता है तब भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, आके हॉल में बैठ जाते हैं, तो काफ़ी सारे लोग रहे तो। और आप लोगों को पता ही है मेरा जो डाइनिंग है वो छोटा है, मतलब 4 सीटर ही डाइनिंग है, तो इसी वजह से वहाँ पर ना काफ़ी सारे लोग नहीं बैठते हैं। तो हम लोग अगर घर के घर में हो, अगर 2-3 जने हो हम लोग खाने के लिए, तो वो हम लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं, बट कोई अगर एक भी गेस्ट आ जाता है एक्स्ट्रा तो हम लोग वहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं, आड़ी पाड़ी में बैठना पड़ता है हमें, तो इसी वजह से ना हम लोग नहीं बैठते हैं वहाँ पे, हम लोग आके यहाँ पे हॉल में बैठ जाते हैं, और नीचे बैठ के अच्छे से बातें बातें चलती हैं हमारी, काफ़ी देर तक हमारा खाना वाना चलता है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे होता है। और थोड़ा सा ना ये लोग मजाक कर रहे थे मुझसे, तो इसी वजह से मेरा मूड भी फ्रेश हो गया था उस टाइम। और यहाँ पर फिर हम लोग ना आप लोगों को बताना भूल गई कि मैं जा रही हूँ मायके आज, क्योंकि ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ पर पड़े पड़े मैं बोर हो रही थी, और घर पे बिल्कुल वो भी नहीं हो रहा था, और बच्चों को भी छुट्टी थी माही की और अद्विक की, क्योंकि आज तो छुट्टी है महाशिवरात्रि की, फिर सैटरडे की छुट्टी, फिर संडे की छुट्टी, ऐसे 3 दिन छुट्टी थी, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो मायके जाके आते हैं, क्योंकि मम्मी के यहाँ पे जाएंगे रेस्ट होगी, थोड़ी सी रेस्ट मिल जाएंगी, और थोड़ा सा पानी वानी चेंज होगा, मूड फ्रेश होगा, तो इसी वजह से फिर मुझे लगा था कि वहाँ पर जाके आते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे, इसी वजह से हम लोग जाने निकले थे। 5:30 बजे निकले हैं हम लोग घर से, जाते 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 मम्मा, 5:30 बजे मम्मा पर आपको चल लो, हो चल गया।
फाइनली पहुंच गई हूँ मम्मी के घर मेरे। कुठे है उसर का बना ले जाता है उसर। अरे यार देखो मम्मी और यहाँ पर बना रही है मम्मी चाय। अरे मम्मी का मेज बाप रे बाप। तो क्या है सकाळ घेऊन जाला बोली। आता काय बनवणार आहे तू? उसर बनवतो ना। अरे कोणाला भूकच नाहीये। अरे बाप रे। तो गाइज़ यहाँ पर मम्मी बना रही थी अप्पे। और मतलब ये जो अप्पे है वो फास्ट के अप्पे है। मम्मी ने ना रात को ही भगर जो बोलते हैं ना भगर भिगोने के लिए रख दिया था। और वो साबुदाना भिगोने के लिए रख दिया था। उसे ना थोड़ा सा मिर्च डाल के पीस लिया है और उसके अप्पे बना रही है। और यहाँ पर आलू काट के रख दिया था। तो इसकी जो आलू की और साबुदाने की खिचड़ी बनाएंगी मम्मी। तो ये फास्ट के लिए बनाने वाली है। और हम लोगों को ना ज़्यादा भूख नहीं थी, फिर भी मम्मी बोल रही थी नहीं थोड़ा सा खा लो करके। तो इसी वजह से मम्मी यहाँ पर बना रही थी। अप्पे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे यार। मैंने तो एक्चुअली मैंने तो कभी ट्राई नहीं किए हैं, मतलब ये वाले जो फास्ट के अप्पे हैं मम्मी ने बनाए थे। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोग बनाते हो कि नहीं मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पर ऐसे ही करता है आदमी, मम्मी के पीछे पीछे रहता है। जब भी यहाँ पे आता है तो मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ऐसे ही पीछे पीछे रहता है। और यहाँ पर मम्मी बना रही थी आप पे, बहुत टेस्टी बने थे यार। मम्मी ने ना मूँगफली की चटनी बनाई थी इसके साथ दही डाल के, तो उसके साथ हम लोगों ने खाए थे ये वाले आप पे। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने थे, मैंने तो पहली बार खाया है। और मम्मी बोल रही थी कि मम्मी बनाती रहती है तो अच्छे लगते हैं सबको। और मैं काफ़ी दिनों के बाद आई थी तो मुझे नहीं पता था, तो इसी वजह से मैंने पहली बार खाए थे। सो गाइज नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है अभी अभी, मतलब जो क्या बोलते हैं फास्ट का जो होता है वो हमने किया है। मम्मी ने साबुदाने की खिचड़ी बनाई थी और अप्पे बनाए थे। टेस्टी बने थे यार अप्पे। सॉरी मेरी जो खांसी है वो कमी नहीं हो रही है। और तबीयत पता नहीं अब कब ठीक होगी, मतलब इसी वजह से मैं रेस्ट करने के लिए आई थी यहाँ पे। बट मम्मी पापा ने ना कल का भंडारा रखा है, हम लोग आ रहे हैं इसी वजह से भंडारा रखा है पापा ने। मतलब वहाँ पर ना एक खेत है हमारा यहाँ पे, तो मतलब वहाँ पे बोर बनाई है। मतलब इसी वजह से पापा बोल रहे थे कि उसका पानी पीने से पहले वहाँ पर ना भंडारा रखते हैं, तो इसी वजह से वहाँ पे भंडारा रखा है। कल घर के घर में ही रखा है, मतलब जो मेरे बड़े पापा के घर के या सारे जो है वही रहेंगे उसमें, तो वैसे किया है। तो बट मुझे ना यहाँ पर रेस्ट करना था, मतलब मुझे ना कहीं पर भी जाना नहीं था और यहाँ पर मैं आई थी कि रेस्ट करने के लिए। बट अभी इन्होंने रखा है तो क्या कर सकते हैं, पता नहीं। अभी यहाँ पर भी डॉक्टर के पास दिखा दूंगी, डॉक्टर चेंज करेंगे तो पता चल जाएगा। कभी कभी ना क्या होता है कि एक डॉक्टर रखने से भी हमारे ऊपर उनकी दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर भी मैं डॉक्टर के पास दिखा दूंगी। और हाँ एक बंदी है यार, तो उसने ना परेशान कर रखा है मुझे। मतलब परेशान मीन्स जब भी स्टोरी डालती हूँ या कम्युनिटी पे कुछ पोस्ट डालती हूँ या वीडियो डालती हूँ तो वो एक ही कमेंट करती है, एक ही। उसको पता नहीं उसका फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकाल रही है या उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है या क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हमेशा एक ही कमेंट रहता है कि आपके व्लॉग्स अच्छे नहीं होते हैं, आपको व्लॉग्स बनाना नहीं आता है, आप हमेशा आपके बच्चे और आप हमेशा बीमार रहती हो, मतलब आपके जो व्लॉग्स होते हैं वो बिल्कुल होपलेस होते हैं, बोरिंग होते हैं, आपको व्लॉग्स बनाना पता नहीं है, व्लॉग कैसे बनाया जाता है आपको तरीका नहीं पता है, व्लॉग्स कैसे बनाए जाते हैं। तो यार मुझे तो नहीं पता, जैसे मैं बना रही हूँ वो लोगों को पसंद आ रहे हैं,
बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मेरे ब्लॉग्स का वेट करते हैं, उनको अच्छा लगता है मेरे ब्लॉग्स देखना। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप छोड़ के चले जाइए, मतलब मैं जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ आप पे कि आप मेरे ब्लॉग्स देखो। और दूसरी बात, अगर मुझे ब्लॉग्स नहीं बनाना आ रहा है तो आप सिखा दो मुझे, आप एक यूट्यूब चैनल ओपन करो, आप ब्लॉग्स बनाओ, उससे मैं कुछ सीख जाऊंगी। और इतना ही मुझसे प्रॉब्लम है तो आप मेरे ब्लॉग्स देखते ही क्यों हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। और आपको फेमस होना है मेरे वीडियो पे कमेंट करके या कुछ, तो मैं आपका नाम तो नहीं ले रही हूँ, जिन जिन्होंने आप कमेंट पढ़ा है तो उनको तो पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। और स्टोरी पे कमेंट किए जा रही है, आप स्टोरी जाके चेक कर लीजिए, मतलब जिन्होंने भी इनका कमेंट पढ़ा है उनको तो पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो स्टोरी जाके चेक कर लीजिए मेरी स्टोरी पे, इनके कमेंट है पढ़े। कम्युनिटी पे भी एक कमेंट किया है इन्होंने और एक दो वीडियोस पे भी कमेंट किया है, मतलब एक अगर कमेंट करते ना तो मैं बिल्कुल उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं देती या माइंड नहीं करती, बट ये लगातार मुझे ये एक ही कमेंट किए जा रही है, एक ही कमेंट किए जा रही है, आपके बच्चे हेल्दी नहीं है, मतलब आपके बच्चे हमेशा बीमार पड़ते हैं, आप भी बीमार रहती हो हमेशा, ये वो अलाना फलाना। तो हाँ यार, मैं बीमार पड़ रही हूँ तो उसमें मेरी गलती नहीं है, बीमार पड़ रही हूँ, कुछ वायरल होगा या कुछ होगा। अगर कोई भी मम्मी हो तो मम्मी के पास ही बच्चे रहेंगे और मेरे बच्चे तो मेरे पास ही सोते हैं, तो इसी वजह से मैं उनको दूर नहीं रख सकती हूँ। अगर वो बीमार है तो मैं उनको दूर नहीं रखूंगी, क्योंकि बच्चे बीमार है तो उनको मम्मी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसी वजह से मैं उनको साथ में लेके सोती हूँ। तो हो सकता है उनका प्रॉब्लम मुझे हो रहा है और मेरा प्रॉब्लम उनको हो रहा है, तो अभी इसके लिए मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ। जो हो रहा है वो तो कभी ना कभी ख़त्म हो गई, मतलब मैं तो ट्रीटमेंट ले ही रही हूँ, बच्चों को भी, बच्चा भी ठीक है, बच्चों को भी ट्रीटमेंट अच्छे से दी है, दोनों बच्चों का ब्लड चेक किया है, मेरा भी ब्लड चेक किया है, बच्चों के भी ब्लड रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला है, मेरे ब्लड रिपोर्ट में भी कुछ नहीं निकला है। अगर आपको ब्लड रिपोर्ट देखना है मेरा तो मैं ब्लड रिपोर्ट का भी फोटो लगा दूंगी, अगर आपको देखना है तो आप बता दीजिएगा, फोटो मैं दूसरे वीडियो में लगा दूंगी कि आपको ब्लड रिपोर्ट में कुछ निकला है क्या। तो फालतू में आप इतना इशू कर रहे हो यार, और हर वीडियो में आके कमेंट कर रहे हो, हर पोस्ट पे जाके कमेंट कर रहे हो मेरे, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोगों को इतना किसी को परेशान करके मिलता क्या है। छोड़ो, अपने अपने थिंकिंग होती है, तो चलिए फिर जान दीजिए, मैं रेस्ट करती हूँ यहाँ पर, मैं रेस्ट करने के लिए आई हूँ, यहाँ टेंशन लेने के लिए नहीं आई हूँ। और हाँ, किस किस को मेरा मायके का घर का टूर देखना है तो वो ज़रूर बताइएगा, मैं अपने इस घर का भी टूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, वीडियो रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। मैं आज ब्लॉग नहीं बनाने वाली थी, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी ब्लॉग बनाने की, बट फिर भी आप लोग वेट कर रहे थे, आप लोग इतने कमेंट कर रहे थे, आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट मैंने पढ़े हैं कि आज ब्लॉग क्यों नहीं आया है, इंस्टा पे भी मुझे मैसेजेस किए हैं आपने, कम्युनिटी पे भी मैसेजेस आए हैं, वीडियो पे भी मैसेजेस आए थे, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, तो इसी वजह से मैंने ब्लॉग बनाया आज का। तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।